297 खुशनुमा पल। श्लोक काविला। श्लोक ने नींद में अपना हाथ दूसरी तरफ रखा और बेड को खाली पाकर उसकी आंखें खुल गई। आकांक्षा वहां नहीं थी और बिस्तर का वो हिस्सा ठंडा हो चुका था। इसका मतलब वो काफी समय से वहां नहीं थी। श्लोक ने उठकर बालकनी में देखा, उसकी पत्नी वहां भी नहीं थी। ये सोचते हुए कि वो वॉशरूम में होगी, श्लोक वहां भी गया, पर वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था और अंदर जाने पर उसे वहां भी कोई नहीं मिला था। श्लोक ने खुद से कहा, रात के 3 बजे ये लड़की कहाँ चली गई? ये सोचते हुए वो बाहर लिविंग रूम में जा रहा था, तभी उसने देखा किचन की लाइट ऑन थी। जैसे ही श्लोक किचन में पहुंचा, उसकी आंखें छोटी हो गई। एक लड़की व्हाइट कलर का पजामा और पिंक कलर का टॉप पहने वहां खड़ी थी। उसके लंबे बाल जूड़े में बंधे थे और वो कुकिंग कर रही थी। आकांक्षा ने नूडल्स को बाउल में डाला और अपने बनाए हुए खाने से सेटिस्फाई होकर मुस्कुराने लगी। आकांक्षा ने जल्दबाजी में फोक उठाकर नूडल्स को मुंह में डाला और बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण उसका मुंह जल गया। जलन के एहसास से आकांक्षा पानी को ढूंढने लगी जो उसके आसपास नहीं था। श्लोक ने देखा कि आकांक्षा कितनी परेशान थी। वो जल्दी से आकांक्षा के पास गया और पानी की बोतल लेकर उसे पानी पिलाने लगा। पानी पीने के बाद आकांक्षा ने गहरी सांस ली और कहा, ये तो बहुत गर्म थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई और भी है। आकांक्षा ने जैसे ही सिर उठाया, श्लोक को वहां देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, आप तो सो रहे थे ना? श्लोक ने बोतल साइड में रखी और उसके भीगे होठों को पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें देखने आया था क्योंकि तुम अंदर नहीं थी। आकांक्षा ने मुंह बनाया और नूडल्स का बाउल बाहर ले जाते हुए कहा, मुझे भूख लगी थी। ये सुनकर श्लोक को याद आया कि घर आने के बाद आकांक्षा सीधे कमरे में चली गई थी और वापस बाहर नहीं आई थी। काम में बिजी होने के कारण श्लोक ने भी खाना नहीं खाया था और वो भूल गया था कि आकांक्षा भी भूखी थी। अब उसे बुरा लग रहा था कि वो आकांक्षा के बारे में भूल गया था। श्लोक ने बाहर लिविंग रूम में जाकर आकांक्षा की तरफ देखा जो टीवी पर कार्टून देखते हुए नूडल्स खा रही थी। उसे इस तरह खाता देखकर श्लोक को भी भूख लगने लगी थी। श्लोक ने उसके पास बैठकर कहा, क्या तुम गुस्सा हो? आकांक्षा ने तिरछी नजरों से श्लोक को देखा और वापस अपने नूडल्स खाने लगी। श्लोक ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, सॉरी, काम बहुत ज्यादा था। आकांक्षा ने उसे घूर कर देखा और कहा, हाँ, आपको उस आलिया के साथ बहुत काम था। मैंने देखा किस तरह दोनों एक ही सोफा पर बैठकर एक ही लैपटॉप से काम कर रहे थे। क्या उसके पास बैठने के लिए दूसरी जगह नहीं थी या आपके पास दूसरा लैपटॉप नहीं था? श्लोक ने मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, तो तू मेरी जासूसी कर रही थी? आकांक्षा ने खुद को श्लोक की पकड़ से छुड़ाया और कहा, हाँ, क्योंकि अगर मैं आपकी जासूसी नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रही हैं? श्लोक ने अपना सिर आकांक्षा की तरफ झुकाया और कहा, अच्छा ठीक है, तो एक लड़की मुझसे गुस्सा हो गई है, पर अब मैं उसे कैसे मनाऊं? ये कहते हुए उसने आकांक्षा की गर्दन के पास किस करना स्टार्ट कर दिया। अपनी गर्दन पर हो रही गुदगुदी को महसूस करते ही आकांक्षा दूर खिसक गई। श्लोक वापस आकांक्षा की तरफ आया और उसके कान पर बाइट करने लगा। आकांक्षा ने परेशान होकर श्लोक की तरफ देखा और खड़े होकर कहा, मुझे समझ नहीं आता आप करना क्या चाहते हैं, कि आप मुझे चैन से खाने भी नहीं देंगे? उसने इतना कहा ही था कि उसकी नजर श्लोक पर गई जो उसी के बाउल के सारे नूडल्स फटाफट खा रहा था। वो इस तरह उन्हें खा रहा था जैसे वो 2 दिन से भूखा हो, और उसे देखकर आकांक्षा समझ गई थी कि श्लोक भी आज बिना खाना खाए ही सो गया था। आकांक्षा ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और कहा, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो क्या आप भी खाना भूल गए थे? श्लोक ने खाली बाउल को टेबल पर रखा और कहा, मेरी गलती है, चलो। ये कहते हुए वो आकांक्षा का हाथ खींचकर उससे बाहर ले जाने लगा। आकांक्षा को होश तब आया जब वो गैराज में पहुंच गई। उसने आसपास देखा, श्लोक वहां नहीं था। आकांक्षा आवाज देने ही वाली थी कि उसके सामने एक बाइक आकर खड़ी हो गई। बाइक पर एक हैंडसम आदमी हेलमेट पहनकर बैठा था। आकांक्षा आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी।
श्लोक ने हेलमेट उतारा और कहा, बैठो। आकांक्षा ने उस बाइक को देखा जो नई और फास्ट दिख रही थी और कहा, नहीं मैं नहीं बैठूंगी। श्लोक ने अपनी बोवे उठाई और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें गिरा दूंगा? आकांक्षा ने ना में गर्दन हिलाई और हार मानकर बाइक पर बैठ गई। श्लोक ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, मुझे पकड़ो। आकांक्षा ने अपने हाथ श्लोक के कंधे पर रख दिए। श्लोक मुस्कुराया और उसने बाइक स्टार्ट कर दी। विला से निकलने के बाद वो बाइक खाली सड़क पर तेजी से आगे जा रही थी। आकांक्षा ने अपनी पकड़ श्लोक के कंधों पर कसी हुई थी। श्लोक ने एक हाथ पीछे करके आकांक्षा के हाथ को अपने कंधे से हटा दिया, जिससे आकांक्षा डर कर चिल्लाने लगी। श्लोक ने उसके हाथ अपनी कमर पर रखे। उसके ऐसा करते ही आकांक्षा ने जोर से श्लोक की कमर को पकड़ा और उससे चिपक कर बैठ गई। श्लोक के होठों पर बड़ी स्माइल आ गई। उसने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद आकांक्षा का डर कम हो गया और वो आसपास की जगह को देख रही थी और खुद पर से गुजरती हवा को महसूस करने लगी। श्लोक ने बाइक रोकी। आकांक्षा के उतरने के बाद उसने बाइक को स्टैंड पर लगाया और मुड़कर आकांक्षा को देखने लगा, जो मुंह खोले उस जगह को देख रही थी। स्ट्रीट फूड एरिया जो कलरफुल लाइट से जगमगा रहा था, छोटे छोटे स्टॉल्स पर लोगों की भीड़ थी। हर जगह सिर्फ हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी और एक बैंड साइड में म्यूजिक प्ले कर रहा था। आकांक्षा अपनी पल के झपकाना भूल चुकी थी। श्लोक ने उसे पीछे से गले लगाया और कहा, यू लाइक इट? आकांक्षा ने अपने दोनों हाथ श्लोक के हाथों पर रखे और कहा, क्या सच में ऐसा कुछ होता है या फिर मैं सपना देख रही हूँ? बताइए ना डॉक्टर साहब। श्लोक आकांक्षा की एक्साइटमेंट को देखकर खुश था, पर उसे बुरा भी लग रहा था कि वो आज तक उसे कहीं लेकर नहीं गया। उसने आकांक्षा के बिखरे बालों को ठीक से बांधते हुए कहा, सॉरी मैं तुम्हें पहले कहीं लेकर नहीं गया। श्लोक आकांक्षा के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में इतना खुश और खोया हुआ था कि वो भूल गया कि उसकी खरगोश पिंजरे से निकलकर सिर्फ उसके सुंदर बगीचे में ही रह गई थी। आकांक्षा ने जब श्लोक की गिल्टी वॉइस को सुना तो वो मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी। आकांक्षा ने कहा, ये सब बहुत अच्छा है क्योंकि आप मुझे यहाँ लाए हैं। अब चलिए, क्या आप सिर्फ मुझे यहाँ खड़ा करने लाए हैं? श्लोक मुस्कुराया और आकांक्षा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ आगे ले जाने लगा। आकांक्षा अपना सिर घुमाकर वहां लगे छोटे छोटे स्टॉल्स को देख रही थी और लोगों को हंसकर बातें करते हुए और खाना खाते हुए भी देख रही थी। उसने अपना सिर उठाकर श्लोक को देखकर कहा, इस समय तो रात के 3:30 बज रहे होंगे, तब भी यहाँ पर इतने सारे लोग हैं? श्लोक ने कहा, इसे मिडनाइट फूड सेंटर कहते हैं। जिन लोगों को तुम्हारी तरह आधी रात को भूख लगती है या वो अपने वर्कप्लेस से लेट लौट रहे होते हैं तो वो यहाँ आकर खाना खाते हैं। देखो तुम्हें यहाँ बहुत सारे लोग ऑफिस ड्रेस में ही दिखेंगे। आकांक्षा ने देखा वहाँ काफी सारे लोग सूट पहनकर या अपने हाथ में लैपटॉप बैग लेकर बैठे खाना खा रहे थे। उसने कहा, हाँ लोग सच में बहुत बिजी रहते हैं। श्लोक ने आकांक्षा से कहा, तुम क्या खाओगी? आकांक्षा ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने कन्फ्यूजन में आसपास देखा। खाने के इतने आइटम्स वहां अवेलेबल थे कि वो कुछ चूस नहीं कर पा रही थी। श्लोक उसे मल्टी फूड स्टॉल पर ले गया जहाँ काफी अलग अलग चीजें अवेलेबल थी और उसके साथ वहाँ बेंच पर बैठ गया। आसपास से जितने भी लोग गुजर रहे थे या खाना खा रहे थे वो बार बार उस कपल को ही देख रहे थे। श्लोक ने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहना था और आकांक्षा ने व्हाइट और पिंक कलर का नाइट सूट जिस पर कार्टून प्रिंट बना था। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और दोनों की सुंदरता उस जगह को एक अलग ही लुक दे रही थी, जैसे कोई राजा अपनी रानी के साथ घूमने आया। लड़कियां जलन भरी नजरों से आकांक्षा को घूर रही थी। श्लोक इतना हैंडसम दिख रहा था कि आकांक्षा की जगह आसपास मौजूद लड़कियां श्लोक के साथ समय बिताना चाहती थी और वही लड़के लालच भरी नजरों से आकांक्षा को देख रहे थे। उसका क्यूट और एक्साइटमेंट से भरा लाल चेहरा उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। दोनों एक बेंच पर अच्छे से बैठ गए थे। तभी एक लड़का वहां आया और उसने टेबल साफ करते हुए कहा, भैया दीदी आप क्या लेंगे? श्लोक ने वहां साइड में रखे बड़े से मेन्यू बोर्ड को देखा और आकांक्षा को देखकर कहा, वहां देखो
मेन्यू लिखा है, तुम्हें क्या क्या चाहिए बता दो। आकांक्षा ने वहां देखा और उस बड़ी सी लिस्ट को देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या ऑर्डर करे, पर फिर भी उसने उनमें से कुछ डिश उस लड़के को बता दी, जिसके बाद वो लड़का वहां से चला गया। आकांक्षा आसपास देख रही थी, उसने महसूस किया कि काफी सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे। फिर उसने खुद को देखा, उसने व्हाइट और पिंक कलर का नाइट सूट पहना था जिस पर कार्टून बना था, और उसके बाल जो ढीली चोटी में बंधे होने के कारण और लंबे दिख रहे थे, उसे बहुत अजीब लग रहा था। आकांक्षा ने श्लोक को देखकर कहा, आपको पहले बताना चाहिए था कि आप मुझे कहीं घुमाने ले जाना चाहते थे, मैं कपड़े तो बदल लेती, देखिए सब हमें ही देख रहे हैं। श्लोक ने अपने आसपास देखा, लगभग हर कोई उन्हें ही देख रहा था। फिर श्लोक ने अपने साइड में बैठी आकांक्षा को देखा, जो सफेद रंग का प्यारा सा खरगोश लग रही थी, और उसे पता ही नहीं था कि लोग उसे चिढ़ाने वाली नहीं बल्कि प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। उसने एक नजर सबकी तरफ देखा, जिससे लोगों ने डरकर वापस उन्हें देखने की हिम्मत नहीं की। फिर श्लोक ने आकांक्षा के सिर को थपथपाते हुए कहा, मुझे तुम हर तरीके से पसंद हो, समझी। ये कहते हुए श्लोक ने आकांक्षा के कान के पास झुककर अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहा, खास करके बेड पर तो और भी पसंद हो। श्लोक की बात का मतलब समझते ही आकांक्षा का चेहरा लाल हो गया। उसने श्लोक को धक्का दिया और चुपचाप बैठ गई। उसे अग्निहोत्री मेंशन में बिताई उनकी वो रात याद आ गई, और वो सोचते ही उसके चेहरे के साथ उसके कान भी लाल हो गए। श्लोक ने उसके चेहरे की लाली देखी और उसके गालों पर किस कर दिया। आकांक्षा ने हैरान होकर अपने गाल पर हाथ रखा और आसपास देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा है। ये कंफर्म करने के बाद कि किसी ने उन्हें नहीं देखा है, आकांक्षा कुछ कहने ही वाली थी कि एक लड़के ने टेबल पर सारी डिश लाकर लगा दी। खाने को देखते ही आकांक्षा की आंखों में चमक आ गई। नूडल्स, पाव भाजी, मसाला डोसा, फ्राइड राइस जैसी कई सारी डिशेस वहां रखी थी, जिनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। आकांक्षा ने श्लोक की तरफ देखा और कहा, ये सब कितना अच्छा दिख रहा है। श्लोक ने फोक से नूडल्स को आकांक्षा की तरफ करते हुए कहा, पहले खाओ तो। आकांक्षा ने अपना छोटा सा मुंह खोलकर नूडल्स को खा लिया। टेस्ट जैसे ही उसके मुंह में घुला, उसकी आंखें एक चमक के साथ बड़ी हो गई। श्लोक उसके चेहरे को देखकर समझ गया कि उसे खाना पसंद आया है, और फिर दोनों मिलकर खाना खाने लगे। एपिसोड 98, खूबसूरत रात की सुबह। आकांक्षा ने डोसा खाते हुए कहा, मैंने कभी स्ट्रीट फूड नहीं खाया, पर मैंने बुक्स में पढ़ा है कि मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम के लिए ऐसे स्टॉल लगाते हैं, और उनका खाना बहुत टेस्टी होता है, और मैं इस बात को सच होता देखकर बहुत खुश हूँ। सच में ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। ये कहते हुए उसने एक निवाला श्लोक की तरफ बढ़ा दिया। श्लोक ने उसके हाथों से खाना खाते हुए कहा, अगर तुम्हें ये पसंद आया तो हम यहाँ दोबारा आएंगे। आकांक्षा ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ सोचते हुए कहा, आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो फिर आप ऐसी छोटी जगह क्यों आते हैं? आप तो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। श्लोक ने नैपकिन से आकांक्षा के मुंह को साफ करते हुए कहा, क्योंकि यहाँ लोग दिल से खाना बनाते हैं, ना कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और यहाँ लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है, ना कि घमंड। ये कहते हुए उसने उस लड़के को खाने के पैसे दिए और आकांक्षा का हाथ पकड़कर आगे निकल गया। वो दोनों आगे जा ही रहे थे कि आकांक्षा अचानक एक जगह रुक गई। श्लोक ने भी उसी तरफ देखा जहां वो देख रही थी। वो एक स्वीट शॉप थी। श्लोक ने कहा, क्या तुम्हें स्वीट चाहिए? आकांक्षा ने हाँ में सिर हिलाया। श्लोक ने उसके छोटे से पेट की तरफ देखा, जो अभी भी फ्लैट था, और कहा, पर तुमने अभी तो इतना सारा खाना खाया था। आकांक्षा ने मुंह बनाकर उसे देखा और कहा, क्या आप गरीब हैं और मुझे ये नहीं दिला सकते? श्लोक ने आह भरी और कहा, ठीक है चलो। वहां पहुंचने के बाद आकांक्षा ने देखा कि उस जगह पर बहुत भीड़ थी, और लोग अपने हाथों में पत्ते की छोटी सी कटोरी में कोई स्वीट खा रहे थे। आकांक्षा ने देखा उस जगह काफी भीड़ थी और वो रुक गई। श्लोक जानता था कि आकांक्षा भीड़ से डरती है।
उसने कसकर आकांक्षा का हाथ पकड़ा और आगे चलते हुए कहा, दुनिया लोगों से भरी हुई है और हमें उनके बीच जाना ही पड़ता है। ये कहते हुए वो भीड़ को हटाते हुए आगे पहुंच चुका था। आकांक्षा ने देखा एक आदमी दो बड़े बड़े मटकों के सामने खड़ा था और कुल्फी निकालकर पत्ते की कटोरी में सबको दे रहा था। श्लोक ने उस कुल्फी वाले से कहा, एक बना दीजिए। आदमी ने बड़ी सी पत्ते की कटोरी में दो कुल्फी डालकर उस पर रबड़ी और काजू बादाम डालकर श्लोक को दे दिया। श्लोक ने उस जगह से बाहर निकलकर आकांक्षा को अपने हाथ से कुल्फी खिलाते हुए कहा, कैसी है? मीठा स्वाद अपने मुंह में घुलते ही आकांक्षा की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ये बहुत टेस्टी है। ये कहते हुए उसने दूसरे चम्मच से श्लोक को कुल्फी खिलाई। श्लोक ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ अच्छी है, पर तुम्हारे मुंह में जो है वो ज्यादा मीठी होगी। ये सुनते ही आकांक्षा को ऑफिस में श्लोक के साथ लंच खाना याद आ गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और कहा, नहीं यहाँ नहीं। उसे ऐसा करते देख श्लोक को जोर से हंसी आ गई। वो दोनों आगे चल ही रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में फूलों का बुके लेकर उनके सामने आई और उसने कहा, भैया आप दीदी के लिए फूल ले लो, अगर आप उन्हें ये फूल दोगे तो वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। श्लोक ने झुककर उस लड़की की तरफ देखा जिसके बाल थोड़े बिखरे थे और कपड़े थोड़े मैले थे। लड़की ने फिर से कहा, देखो भैया आप कितने ज्यादा हैंडसम हो और दीदी कितनी ज्यादा सुंदर है, आप दोनों सच में बहुत अच्छे कपल बनोगे, बस आप एक बार दीदी को ये फूल दे दो, वो पक्का आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी। गर्लफ्रेंड शब्द सुनते ही श्लोक को दोपहर में हुई उसकी और आकांक्षा की बातें याद आ गई, जिसमें आकांक्षा ने कहा था कि अगर वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। श्लोक ने झुककर उस लड़की के हाथ से बुके लेकर कहा, सच में? लड़की ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, आप जैसे हैंडसम लड़के को कौन छोड़ेगा। श्लोक ने अपने वॉलेट से पैसे निकालकर लड़की को दिए और बुके अपने हाथों में ठीक से पकड़ लिया। लड़की ने पैसों को देखा जो बहुत सारे थे और कहा, नहीं इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, ये तो बस 100 रुपए का है। श्लोक ने झुककर वापस उसे वो पैसे देते हुए कहा, रख लो और कुछ खा लेना। लड़की ने श्लोक के गाल पर किस किया और आकांक्षा की ड्रेस खींचकर कहा, दीदी भैया को हाँ कह देना, वरना इतने हैंडसम लड़के को छोड़ने के बाद आप कुंवारी रह जाओगी। ये कहते हुए वो वहां से भाग गई। आकांक्षा मुंह खोले उस लड़की को जाता हुआ देख रही थी और उसकी बातों के बारे में सोच रही थी। श्लोक ने आकांक्षा को देखते हुए कहा, देखो बच्ची को भी पता है कि तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। आकांक्षा ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और कहा, क्या दूसरों की मदद से आप मुझे इम्प्रेस करना चाहते हैं? श्लोक ने उसे पीछे से गले लगाया और उसके हाथों में वो रेड रोजेस का बुके देकर कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है। आकांक्षा के पास श्लोक को कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। आकांक्षा ने सोचा, श्लोक सही तो कह रहा था, वो तो वैसे भी उससे पूरी तरह इम्प्रेस थी। पर अपनी बात को नकारते हुए आकांक्षा ने बुके लिया और थोड़ा आगे जाकर कहा, ठीक है, क्योंकि ये फूल उस प्यारी सी बच्ची ने आपको दिए थे इसीलिए मैं ये ले लेती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको हाँ कर दी है। श्लोक मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल रहा था। थोड़ी ही दूरी पर कुछ लोग गाना गा रहे थे। आकांक्षा जल्दी से उनके पास गई और उसने उन लोगों से कुछ बात करके एक गिटार अपने हाथ में ले लिया। कुछ पल बाद एक मीठी सी आवाज में एक प्यारा सा गाना सबके कानों तक पहुंच गया था, जिससे लोग वहां इकट्ठा होने लगे। गाना गाते हुए आकांक्षा श्लोक की तरफ देख रही थी, जो अपने दोनों हाथ फोल्ड करके प्यार से उसे ही देख रहा था। आकांक्षा ने गाना गाते हुए अपने कदमों को श्लोक की तरफ बढ़ाया। श्लोक ने आकांक्षा की कमर में हाथ डाला और उसके साथ डांस करने लगा। आकांक्षा गाना गाते हुए श्लोक को देखे जा रही थी और लोग उनके लिए चेयर अप कर रहे थे। वहां मौजूद कपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़े उन्हें देख रहे थे, जैसे खुद को उन दोनों में इमेजिन कर रही हूँ। वहीं आकांक्षा और श्लोक अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। गाना और डांस खत्म होते ही तालियों के शोर से दोनों का ध्यान टूटा।
आकांक्षा ने श्लोक से अलग होकर अपने सिर को नीचे कर लिया। उसके गाल गुलाबी हो चुके थे। श्लोक ने आकांक्षा को वापस अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। सब लोग चिल्लाकर उन दोनों को किस करने को कह रहे थे। आकांक्षा ने अपना सिर श्लोक के सीने में छुपा लिया। श्लोक मुस्कुराया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर किस कर दिया। लड़की आकांक्षा से बहुत जल रही थी और सोच रही थी कि इतना ज्यादा प्यार करने वाला और इज्जत करने वाला लड़का काश उन्हें मिलता जो इतना हैंडसम भी होता। पर वो इस बात से नकार नहीं सकती थी कि आकांक्षा भी श्लोक के लिए परफेक्ट थी। जिस तरह उसने अपने गाने में फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था, लड़कियां और लड़के अपने कानों से आकांक्षा की आवाज को अपने दिल में घुलता हुआ महसूस कर रहे थे। श्लोक का विला। विद्या, भक्ति, विपिन, ग्रे, नीना और आलिया डाइनिंग हॉल में बैठे थे और कब से श्लोक आकांक्षा का इंतजार कर रहे थे। नीना ने वॉच में देखा और कहा, 10 बजने वाले हैं सर, इतना लेट तो कभी नहीं उठते। मेड जो ने ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी उसने कहा, सर और मैडम आज जल्दी नहीं उठेंगे। सबने उस मेड की तरफ देखा जिससे वो थोड़ा घबरा गई और अपना सर नीचे करके कहने लगी, असल में मैडम और सर रात को 3 बजे बाहर घूमने गए थे और फिर उनको आते आते सुबह हो गई थी, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। सभी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और तिरछी नजर से आलिया को देखने लगे जो गुस्से में अपनी मुट्ठियां बनाकर बैठी थी। वो लोग अपना नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी एक लड़का वहां आया जिसने ब्लू कलर की शर्ट के साथ जीन्स पहनी थी। वो अपनी नीली आंखों से वहां बैठे लोगों को घूर रहा था। विपिन ने हाथ हिलाकर कहा, विकी इधर आओ। विकी विपिन के पास गया। विपिन ने उसे सबसे मिलवाते हुए कहा, गाइस ये विकी है। सबने उसे हेलो किया। विकी ने आसपास देखकर कहा, भाई कहाँ है? विद्या ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और कहा, वो लोग रात को बहुत बिजी थे तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। विकी ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहा, क्या ये लोग थकते नहीं है? सब मुंह दबाकर हंसने लगे, लेकिन आलिया अपने मन में नई प्लानिंग बना रही थी ताकि वो आकांक्षा और श्लोक के बीच दरार पैदा कर सके। वहीं ऊपर कमरे में श्लोक आकांक्षा को गले लगाकर सो रहा था। आकांक्षा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी नींद भरी आंखों से श्लोक को देखने लगी। उससे उनके कल के बिताए हुए खूबसूरत पल याद आ गए। आकांक्षा ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और कहा, डॉक्टर साहब आप मेरी कितनी सारी विशेस पूरी करते हो, काश मैं भी आपकी कोई विश पूरी कर पाती। ये कहते हुए वो अपना हाथ उसके चेहरे पर फिरा रही थी तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि वो एक भारी चीज के नीचे दब चुकी है। आकांक्षा की आंखें जो नींद से भरी थी अब वो हैरानी से बड़ी हो गई थी। श्लोक आकांक्षा के ऊपर था और मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। आकांक्षा ने कहा, आप जाग रहे थे? श्लोक ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब जब मेरी वाइफ इतनी मीठी आवाज में मुझे थैंक यू कहेगी तो मैं कैसे सो पाऊंगा? आकांक्षा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और कहा, ठीक है मैं फ्रेश होने जाती हूँ, मैं कल कॉलेज नहीं गई थी और एग्जाम भी आने वाले हैं। श्लोक ने उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा, तुम बात बदल रही हो, तुमने कहा था कि तुम मेरी एक विश पूरी करना चाहती हो। आकांक्षा का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। श्लोक मुस्कुराया और उसने जोर से आकांक्षा की कॉलर बोन पर बाइट कर लिया जिससे आकांक्षा की चीख निकल गई। उसने छोटा सा मुंह बनाकर श्लोक को देखा और कहा, आपने मुझे काटा क्यों? उसका वो क्यूट रेड फेस देखकर श्लोक को उस पर और प्यार आने लगा। उसने आकांक्षा के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ा और जल्दी से उसके होठों पर किस कर लिया। आकांक्षा इसके लिए तैयार नहीं थी और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो अपने सेंसेस में तब वापस आई जब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसने श्लोक को खुद से दूर किया और कहा, डॉक्टर साहब परेशान मत कीजिए, कॉलेज जाना है। श्लोक ने कहा, एक शर्त पर। आकांक्षा ने कहा, जल्दी से बताइए। श्लोक ने उसके होठों पर उंगली फेरते हुए कहा, सोच लो, इतनी जल्दी हाँ कर तुम पछता सकती हो? आकांक्षा को सच में देर हो रही थी।
इसीलिए उसने ज्यादा ना सोचते हुए कहा, मैं नहीं पछताऊंगी, आप बताइए। श्लोक ने तकिए के नीचे से एक गोल्डन कलर का बड़ा सा कार्ड निकालकर आकांक्षा को दिया और कहा, कल। इतना कहकर वो उठा और आकांक्षा के माथे पर किस करके वॉशरूम में चला गया। आकांक्षा अपने हाथ में पकड़े गोल्डन कार्ड को देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्लोक के कहने का मतलब क्या था। लक्ष्य का घर। लक्ष्य अपने चेहरे पर आ रही धूप से परेशान होते हुए बार बार अपनी आंखें खोलकर बंद कर रहा था। उसने परेशान होकर ब्लैंकेट को सर तक खींच लिया। तभी ब्लैंकेट के अंदर उसे अपने पास एक गर्माहट का एहसास हुआ जो उसके शरीर के बहुत पास था। उसने सिर झुकाकर देखा, रिया उसे कस के गले लगाकर सो रही थी। रिया के मासूम चेहरे को देखकर लक्ष्य को रात के सारे पल याद आ गए। उसने मुस्कुराते हुए प्रिया को अपनी बाहों में भरा और उसके फेस पर किस करने लगा, जिससे प्रिया परेशान हो गई। उसने नींद में चिढ़ते हुए कहा, लक्की सोने दो। लक्ष्य ने ब्लैंकेट को एक तरफ फेंक दिया, जिससे प्रिया को थोड़ी ठंड लगने लगी। रिया ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने दिख रहे हैंडसम चेहरे को निहारने लगी। लक्ष्य एक टक उसके चेहरे को देख रहा था। उसने प्रिया के गालों को सहलाते हुए कहा, ब्यूटी तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, क्या ये मेरे प्यार का असर है या कल रात की मेरी शरारतों का। ये सुनते ही प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, लकी परेशान मत करो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। ये कहते हुए उसने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने शरीर पर एक गुदगुदी का एहसास हुआ जो हर जगह फैलती जा रही थी, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। उसने तेज सांसें लेते हुए कहा, नहीं लक्की। लक्ष्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, आंखें खोलो। प्रिया ने अपनी आंखें खोली। लक्ष्य उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा था, जहां उसने प्रिया को कल लव बाइट दिए थे और अब वो लाल निशान में बदल चुके थे। उसने थोड़ा गिल्ट फील करते हुए प्रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, सॉरी, क्या मैं कल ज्यादा रूड था। प्रिया उसे कहना चाहती थी कि वो सच में बहुत ज्यादा रूड था, पर फिर भी वो ऐसा नहीं कह सकी। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही लक्ष्य की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगी, जिससे प्रिया डर गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती या करती, लक्ष्य ने उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड में पुश कर दिए और उसे किस करते हुए उससे प्यार करने लगा। प्रिया जो कुछ कहना चाहती थी, उसके शब्द उन दोनों के होठों के बीच में दब गए और अब उसे अपनी कही हुई बात पर पछतावा हो रहा था। एपिसोड 99, क्यूट एंड फनी मूमेंट, जंगल वाला घर। आरुषि गार्डन में फ्रेश वेजिटेबल्स को तोड़ रही थी और उन्हें एक बास्केट में रख रही थी। उसने खुद से कहा, अब मैं खुद ही खाना बनाऊंगी, इन लोगों को बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता, पता नहीं कैसा उबला हुआ खाना बनाते हैं, ना नमक होता है ना मिर्च का कुछ अता पता होता है, मुझे तो लगता है जैसे यहाँ का खाना खाकर मैं और ज्यादा दुबली हो गई हूँ। वो खुद से बातें करते हुए सब्जियों को कलेक्ट कर रही थी। उसने बास्केट को हाथ में उठाया और उसे लेकर घर में चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से कोई खड़ा होकर उसे कब से देख रहा था और उसकी सारी बातें भी सुन रहा था। प्रशांत, जो किसी से फोन पर बात करने बालकनी में आया था, आरुषि को गार्डन में देखकर उसकी बातों को सुनने लगा था। आरुषि की वो छोटी छोटी शिकायतें प्रशांत को बहुत अच्छी लग रही थी। उसने अपने ख्यालों को झटका और कमरे से बाहर निकलकर नीचे लिविंग रूम में आ गया। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे आरुषि की मीठी आवाज सुनाई दी। आरुषि किचन स्टाफ के सामने खड़ी थी। उसने दोनों हाथ कमर पर रखे और कहा, नहीं, आप लोग बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाते हैं, मैं खुद खाना बना लूंगी, अगर आपको बनाना है ना तो आप अपने सर के लिए बनाइए, उन्होंने मुझे किडनैप करके यहाँ रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा खाना भी नहीं खा सकती। नहीं नहीं, अगर मैं इसी तरह का खाना खाती रही तो मेरी जुबान आत्महत्या कर लेगी। आरुषि की नौटंकी भरी बातें सुनकर प्रशांत के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब धीमे कदमों से किचन में आ गया। जब स्टाफ ने उसे वहां देखा तो वो सीधे खड़े हो गए। आरुषि की पीठ उसकी तरफ थी, इसीलिए उसे नहीं पता था कि प्रशांत वहां आ गया है। आरुषि ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, आप सब चले जाइए यहां से। प्रशांत ने अपनी आंखों से उन्हें वहां से जाने का इशारा किया
और वो लोग तुरंत वहां से चले गए। आरुषि ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ अच्छा हुआ ये सब चले गए, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई जंग लड़ रही थी। वो खुद से बातें कर ही रही थी कि उसे अपने पीछे से एक सख्त आवाज सुनाई दी। तो तुम्हें यहाँ जेल जैसा फील होता है? आवाज सुनते ही आरुषि की सांसें गले में अटक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, प्रशांत अपने हाथ फोल्ड कर उसे ही घूर रहा था। आरुषि डर के दो कदम पीछे हो गई। तभी उसे कल रात हुआ उन दोनों का केस याद आ गया, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया, जिसे प्रशांत ने नोटिस कर लिया और उसके चेहरे की रेडनेस देखकर उसे भी उनका वो केस याद आ गया था। प्रशांत ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। आरुषि मुंह खोले उसे देख रही थी। प्रशांत ने एक आईब्रो उठाई और कहा, क्या तुम नहीं खाओगी? आरुषि ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, मैं आपकी मदद करती हूँ। प्रशांत ने कुछ नहीं कहा और सब्जियों को धोने लगा। आरुषि उससे दूरी बनाकर बाकी कामों को कर रही थी। दोनों के ही दिल में अजीब से जज्बात थे और वो दोनों ही उसे समझ नहीं पा रहे थे। प्रशांत ने सब्जियों को कट करते हुए धीरे से कहा, तो तुम यहाँ किडनैप करके लाई गई हो, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? आरुषि जो आटा गूथ रही थी उसके हाथ रुक गए। उसने कहा, खुश? वो खुश थी पर वो नहीं जानती थी कि वो क्यों खुश है। जब भी वो प्रशांत को देखती थी और उसके थोड़ा सा भी करीब जाती थी वो खुश हो जाती थी। उसका दिल एक गर्माहट को महसूस करता था जिसे वो बहुत पसंद करती थी। आरुषि अपने ख्यालों से बाहर प्रशांत की आवाज से आई। प्रशांत ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वापस भिजवा देता हूँ। तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन हो गया है और वो ठीक हो चुकी है। उसने सामने रखे लैपटॉप को ऑन किया, जिस पर आरुषि के घर की लाइव फुटेज दिख रही थी। फुटेज में आरुषि के पापा उसकी मम्मी को व्हीलचेयर पर बैठाकर गार्डन में घुमा रहे थे। आरुषि की आंखों में आंसू आ गए। प्रशांत ने कहा, मैं तुम्हें उनके पास भिजवा दूंगा। ये सुनते ही आरुषि के दिल की धड़कन थम गई। अग्निहोत्री मेंशन। सारा कीर्ति को देख रही थी जो बहुत अच्छे से तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कीर्ति ने कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वैसे मैं भी ये कह सकती हूँ कि तुम कब जा रही हो। सारा ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। कीर्ति उसे हमेशा ऐसे ही इंसल्टिंग वर्ड्स बोलती थी। इससे पहले कि सारा कीर्ति को कोई जवाब दे पाती, सार्थक कीर्ति के पास आया और उसने कीर्ति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कीर्ति ने सिर उठाकर अपने भाई को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं चली जाऊंगी भाई, आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। सार्थक के चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। उसने कीर्ति के पास बैठकर कहा, तुम जानती हो कि तुम प्रॉब्लम फेस करोगी, फिर भी तुम वहां जाना चाहती हो? कीर्ति ने सैंडविच खाते हुए कहा, जब तक फेस नहीं करूंगी तब तक सोल्यूशन कैसे मिलेगा, और मैं कोशिश करे बिना हार नहीं मानूंगी। सारा कंफ्यूज होकर उन्हें देख रही थी। उसे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, पर उसे इतना समझ आ गया था कि कीर्ति किसी प्रॉब्लम में है। उसने झूठा कंसल्ट दिखाते हुए कहा, कीर्ति क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो? क्या तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है? सार्थक और कीर्ति जो आपस में बातें कर रहे थे सारा की तरफ देखने लगे। सार्थक ने कहा, मेरी बहन जो चाहे करे वो किसी भी प्रॉब्लम से खुद निकल सकती है, दूसरों की तरह नहीं जो अपने काम अपने जूनियर से करवाते हूँ। ये सुनते ही सारा घूर कर सार्थक को देखने लगी। सार्थक ने कहा, वैसे क्या तुम्हें आज जल्दी ऑफिस नहीं जाना चाहिए, भाई तुम्हारी रिपोर्ट चेक करेंगे। ये सुनते ही सारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। वसुंधरा जी और बड़ी अम्मा मंदिर में बैठे थे और मेनका को उनके साथ जबरदस्ती वहां बैठाना पड़ा था। तीनों जब लिविंग रूम में आए तो मेनका ने आसपास देखकर कहा, सारा कहाँ गई? बड़ी अम्मा ने मुंह बनाकर मेनका से कहा, मेनका तुम्हें नहीं लगता ये लड़की बहुत दिनों से हमारे यहाँ है, अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। मेनका कुछ कहना चाहती थी पर वो जानती थी कि उसका सारा को रोकने का कोई हक नहीं है, वो तो खुद श्लोक के सहारे वहां रह रही थी। वसुंधरा जी ने कहा,
बड़ी अम्मा, पर हम ऐसे ही किसी लड़की को घर से कैसे निकाल सकते हैं? उसका इस शहर में कोई नहीं है, बड़ी अम्मा ने गुस्से में कहा। अच्छा, और वो रात में जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर घूमने चली जाती है, क्या तब भी उसका इस शहर में कोई नहीं होता है? वो इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, उसके पिता विदेश में कंपनी चलाते हैं, क्या वो एक घर नहीं खरीद सकती है? मैं कुछ नहीं जानती, कल के कल ही वो लड़की मुझे यहाँ से बाहर चाहिए। इतना कहकर बड़ी अम्मा वहां से चली गई। भले ही बड़ी अम्मा उस घर की रिश्तेदार नहीं थी, पर उनकी बात वहां बहुत मायने रखती थी। सार्थक और कीर्ति ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। श्लोक का विला। आकांक्षा दौड़ते हुए नीचे आ रही थी और उसी के पीछे श्लोक आ रहा था। श्लोक ने कहा, एक बार रुको, फिर तुम्हें बताता हूं। आकांक्षा ने मुड़कर कहा, पहले पकड़ो तो सही। ये कहते हुए वो जल्दी से वहां से भाग गई। विपिन और बाकी सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और वो लिविंग रूम में बैठे थे। शोर सुनकर सबकी नजर सीढ़ियों की तरफ चली गई थी। आकांक्षा के वहां से भागने के बाद उन्होंने श्लोक की तरफ देखा और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ग्रे ने नीना से कहा, ये सपना तो नहीं है ना? नीना ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, पर सर को क्या हो गया है? आलिया ने गुस्से में कहा, जरूर उस पागल लड़की ने कुछ किया होगा। ये कहते हुए वो श्लोक की तरफ बढ़ी। आलिया ने अपने हाथ में पकड़े रुमाल से श्लोक के चेहरे को साफ करने की कोशिश की। श्लोक, जो दूर खड़ी आकांक्षा को घूर रहा था, अचानक अपने सामने किसी को देखकर हैरान हो गया। आकांक्षा, जो इस वक्त खिलखिलाकर हंस रही थी, आलिया को देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेज कदमों से उन दोनों के पास पहुंची। उसने श्लोक के सामने खड़े होकर आलिया को घूरते हुए कहा, तुम कर क्या रही हो? आलिया ने भी आकांक्षा को घूरते हुए कहा, तुमने जो खराब किया है मैं उसे साफ कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर के चेहरे पर ऐसा कुछ करने की? ये कहते हुए उसने श्लोक की तरफ देखा, जिसका चेहरा नीले रंग का हो गया था। आकांक्षा ने श्लोक के फेस वॉश में कुछ ऐसा मिला दिया था जिससे फेस वॉश करने के बाद चेहरे का रंग नीले में बदल जाता है। श्लोक ने देखा कि आकांक्षा उसके सामने खड़ी है और मौका पाते ही उसने जल्दी से उसे पकड़ा और कहा, अब कहाँ जाओगी? आकांक्षा, जो आलिया को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, खुद को श्लोक की पकड़ में पाकर अपना मुंह रोने जैसा बना चुकी थी। उसने हकलाते हुए कहा, सॉरी। श्लोक ने उसे घूरा और कहा, तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूं? तुमने जो मेरे फेस का हाल किया है उसके बाद तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। आकांक्षा ने हंसते हुए कहा, नहीं, आप ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल डोरेमोन जैसे। श्लोक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें एक अच्छा सा कार्टून बनाता हूँ। ये कहते हुए उसने आकांक्षा को अपने कंधे पर उठाया और अपने कमरे की तरफ वापस चला गया। आलिया स्टैचू जैसी खड़ी थी, उसने अभी भी उस रुमाल को पकड़ा हुआ था। उन लोगों के जाने के बाद ग्रेस जोर जोर से हंसने लगा, उसके दोनों हाथ पेट पर थे। उसने कहा, यार सर कितने फनी लग रहे थे। विद्या, भक्ति और विपिन ने उसकी तरफ देखा। विद्या ने कहा, ये तो कुछ नहीं है, एक बार तो मैम ने सर का चेहरा बहुत ज्यादा अजीब बना दिया था। तुम्हें पता है, उन्होंने सर के माथे के बीचों बीच एक पत्ती ड्रॉ की थी और उनके फेस पर मूछें बनाई थी और बहुत सारे डॉट्स भी बनाए थे। वो इतने ज्यादा अजीब लग रहे थे कि हम तो हंसना भी भूल गए थे। ग्रे ने एक्साइटेड होकर कहा, क्या सच में सर ने उन्हें डांटा नहीं था? ये सुनते ही विद्या और भक्ति को उस दिन श्लोक के कहे शब्द याद आ गए थे कि वो आकांक्षा को बेड पर पनिशमेंट देगा, और वो याद करते ही दोनों के गाल लाल हो गए। नीना ने उन दोनों के फेस की तरफ देखा और शरारती तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तो लगता है सर ने लेडी बॉस को कोई अच्छी सी पनिशमेंट दी थी। आलिया, जो दूर से उनकी बातें सुन रही थी, उसने आगे आकर कहा, वो लड़की पागल है, तुम लोग उन्हें सच में सर की वाइफ मानते हो? किसी ने कुछ नहीं कहा और सबने ना समझी में उसकी तरफ देखा। वही विक्की खा जाने वाली नजरों से आलिया को घूर रहा था। अंदर कमरे में श्लोक ने आकांक्षा को जैसे ही नीचे उतारा, आकांक्षा ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी सॉरी, अगली बार पक्का ऐसा कुछ नहीं करूंगी। श्लोक ने आकांक्षा की तरफ देखकर अपने हाथ फोल्ड किए और उसे घूरते हुए कहा,
और ये तुम कितनी बार कह चुकी हो? आकांक्षा ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार आपका पूरा फेस ब्लू ना हो। ये कहते हुए वो जोर से हंसने लगी। श्लोक ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं ऐसे ही ऑफिस चला जाता हूँ। और फिर कुछ सोचते हुए श्लोक ने कहा, एक मिनट, तुमने ऐसा इसीलिए किया ना था कि कोई और लड़की मुझे देख ना सके? ये सुनकर आकांक्षा ने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। एक पल के लिए उसके दिमाग में ये ख्याल भी आया था। श्लोक ने उसकी इस हरकत को देखा और आंखें छोटी करके कहा, तो मैं सही सोच रहा हूँ, ऐसे तो फिर मुझे भी तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देना चाहिए। आकांक्षा ने अपना सर ऊपर किया और कहा, पर मैं क्यों नहीं जा सकती, मुझे कोई नहीं देखता। श्लोक ने उसके सुंदर और प्यारे चेहरे को देखा और सोचा कि हर एक आदमी आकांक्षा जैसी लड़की को चाहता है, तो कोई उसे कैसे नहीं घूरेगा। ये सोचते हुए श्लोक जेलस होने लगा कि कोई और भी उसकी प्यारी वाइफ को देख सकता है। उसने झुककर आकांक्षा के होठों पर किस किया और उसके होठों को बाइट करके कहा, खबरदार, जो तुमने किसी और को देखा और किसी को खुद को देखने दिया। आकांक्षा ने सोचा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। आकांक्षा ने फिर श्लोक के गुस्से से भरे चेहरे को देखा और उससे कुछ ना कहने का फैसला किया। श्लोक उसे अपने साथ खींचकर वॉशरूम में ले गया। पिछली बार की तरह आकांक्षा ने उसके चेहरे को उसी क्लीनिंग मेथड से साफ किया। श्लोक ने अपने साफ सुथरे चेहरे को देखा और फिर आकांक्षा को उठाकर टेबल पर बिठाते हुए कहा, पनिशमेंट टाइम। आकांक्षा ने अपनी परेशान नजरों से उसे देखकर कहा, मुझे लेट हो रहा है। श्लोक मुस्कुराया और उसने आकांक्षा के होठों पर किस कर लिया। आकांक्षा भी ज्यादा देर तक खुद को नहीं रोक पाई और उस किस में उसका साथ देने लगी। श्लोक आकांक्षा से अलग हुआ और उसने आकांक्षा की नाक पर किस करते हुए कहा, ये पनिशमेंट नहीं है, वो तुम्हें कल मिलेगी। एपिसोड 100, प्रशांत का गुस्सा, जंगल वाला घर। आरुषि टेबल पर लगे खाने को देख रही थी, जो बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा था। इंडियन ब्रेकफास्ट जो उसने काफी समय से नहीं खाया था, उसकी हर तरह की वैरायटी वहां मौजूद थी। आरुषि ने अपने सामने बैठे हैंडसम आदमी को देखा, जिसने बिना किसी की मदद के इतना सारा खाना तैयार किया था। प्रशांत, जो अपना सिर झुकाकर नाश्ता कर रहा था, उसने कहा, खाने को घूरो मत, उसे खाओ। आरुषि सक पका गई। उसने खुद से कहा, इन्होंने कैसे देख लिया? प्रशांत ने दोबारा कहा, मैं देख सकता हूँ। आरुषि ने अपनी प्लेट में उपमा लिया और उसे खाने लगी। खाना खाते ही उसके मुंह से अचानक निकल गया, ये बहुत टेस्टी है। उसकी मीठी आवाज को सुनकर प्रशांत का सिर न चाहते हुए भी ऊपर हो गया और वो उसकी मासूम आंखों में देखने लगा, जो इस वक्त खाने के टेस्ट को अपने मुंह में महसूस करते हुए चमक रही थी। प्रशांत को नहीं पता था क्यों, पर जब आरुषि उसके बनाए खाने को इतनी खुशी से खा रही थी, तो वो अपने दिल में एक अजीब सी खुशी को महसूस कर रहा था। आरुषि एक एक करके सारी डिशेस को खा रही थी। प्रशांत ने नहीं सोचा था कि वो दुबली पतली लड़की इतना सारा खाना खा सकती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आरुषि ने अपने पेट पर हाथ फेरा और चेयर पर झुकते हुए कहा, मजा आ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भूल गई हो कि उसके सामने कोई बैठा है और वो कहाँ है। इसीलिए प्रशांत उसके इस तरह के बिहेवियर को देखकर हैरान हो गया था। लड़की जो डरी सहमी और परेशान दिखती थी, इस समय कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में दिख रही थी। ना चाहते हुए भी प्रशांत के मन में ख्याल आ गया कि शायद उसने उसे यहाँ से भेजने के लिए हाँ कह दिया है, इसीलिए वो इतना खुश होगी। ये सोचते हुए उसके गुस्से में मुट्ठियां कस गई। प्रशांत ने जोर से अपने हाथ को टेबल पर पटका, जिससे वहां रखी कांच की प्लेट जमीन पर गिरकर टूट गई। आरुषि ने डरते हुए प्रशांत को देखा, जिसका चेहरा नरक के राजा जैसा भयानक दिख रहा था। आरुषि ने कहा, आपको क्या हुआ? प्रशांत ने अपनी लाल आंखों से उसे घूरा और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर कहा, तो तुम खुश हो क्योंकि तुम यहाँ से जाने वाली हो। तुम इसीलिए खुश हो क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तुम्हें जाना है ना, तो तुम भी चली जाओ।
मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए उसने आरुषि को धक्का दे दिया और उठकर वहां से अपने कमरे में चला गया। आरुषि जो अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बची थी, उसने खुद को संभाला और सदमे में प्रशांत के कमरे के दरवाजे को देखने लगी। तभी उसे याद आया कि वो सच में कल इस जगह से जाने वाली है। उसने खुद से कहा, क्या वो गुस्सा हो गई क्योंकि मैं यहां से जा रही हूं? पर वो गुस्सा क्यों होंगे? ये सोचते हुए उसे प्रशांत के साथ बिताए हुए सारे दिन याद आने लगे। प्रशांत जो कहता था कि वो उसे खरीद कर लाया है, उसने कभी आरुषि के साथ कोई बुरा बिहेवियर नहीं किया था, यहाँ तक कि वो तो उसे कोई काम भी करने नहीं देता था। आरुषि जानती थी कि प्रशांत के उसके ऊपर बहुत सारे एहसान हैं। प्रशांत के कारण उसकी माँ जिंदा है और उसके पापा पहले जिस किराए के घर में रह रहे थे, उसकी बजाय वो अब वापस अपने घर में रहने लगे थे क्योंकि प्रशांत ने उन्हें वो घर वापस खरीद कर दे दिया था। ये बात उसे अपने पापा से पता चली थी और ये भी कि कोई उन्हें पैसे देने आया था, ये कहकर कि आरुषि को एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है जहां उसे हर महीने काफी ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसमें से कुछ वो अपनी फैमिली को भेज रही है। आरुषि समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रशांत के लिए रुकना चाहती है या उसके एहसानों की वजह से वो वहां रहना चाहती है। ये सब सोचते हुए वो आगे जाने लगी। आरुषि को पता ही नहीं चला कि उसके पैर में कांच का टुकड़ा लग गया था जिससे खून बहते हुए सफेद फर्श को लाल करते जा रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी, विक्की आकांक्षा के साथ कैंपस में जा रहा था। तभी उन दोनों को पीछे से किसी की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा, रिया उन्हीं की तरफ दौड़ते हुए आ रही थी। आकांक्षा ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाभी! जिससे आसपास से गुजर रहे लोग आकांक्षा की तरफ देखने लगे और फिर उस दिशा में जहां देखकर वो भाभी कह रही थी। विक्की ने आकांक्षा के मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम क्या चाहती हो, सबको पता चल जाए कि प्रिया मैरिड है? आकांक्षा ने अपना सिर उठाकर विक्की की तरफ देखा, फिर अपनी मुंह की तरफ इशारा करने लगी। विक्की ने जल्दी से उसके मुंह से हाथ हटाया। तब तक प्रिया वहां पहुंच चुकी थी। प्रिया ने आकांक्षा को घूरते हुए कहा, क्या तुम कॉलेज में मुझे भाभी कहोगी? आकांक्षा ने हंसते हुए कहा, अच्छा सॉरी, मैं भूल गई थी। ये कहते हुए उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसके साथ आगे जाने लगी। विक्की ने अपना सिर हिला दिया। आकांक्षा ने धीरे से कहा, तो भाभी आपकी फर्स्ट नाइट कैसी रही? ये सुनते ही प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने आकांक्षा के सर पर मारते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे पहले पूछा था कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी थी? आकांक्षा ने अपने सिर को सहलाते हुए कहा, अरे हमारी फर्स्ट नाइट होती तो बताती ना। प्रिया मुंह खोले आकांक्षा को देख रही थी। उस लवली कपल को देखकर उसने नहीं सोचा था कि वो इतना पीछे होंगे। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा पति तो तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है और उसकी आंखों में साफ दिखता है कि वो तुम्हें कितना चाहता है, फिर भी तुम लोगों ने अभी तक अपनी शादी को पूरा नहीं किया। तभी प्रिया को कुछ याद आया और उसने आकांक्षा को घूरते हुए कहा, एक मिनट, तुम्हारी शादी हुई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं, यहाँ तक कि जब होटल में तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया था और उसके बाद हम कॉलेज में मिले थे, तब भी तुमने मुझे सच नहीं बताया था। उसे सुबह ही लक्ष्य से पता चला था कि आकांक्षा के साथ जो इंसान था वो उसका पति था, वरना वो तो श्लोक को आकांक्षा का बॉयफ्रेंड ही समझ रही थी। आकांक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रिया के सारे सवालों का क्या जवाब दे। अब वो प्रिया से ये तो नहीं कह सकती थी कि उनके एक रात की करीबी के कारण उनकी शादी हुई थी और उसके बाद कई सारी प्रॉब्लम्स के कारण वो एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए थे, और अब जब वो दोनों आगे बढ़ना चाहते थे तो कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। आकांक्षा ने देखा कि वो क्लास के पास पहुंच गई है, तो वो बिना पीछे मुड़े अपनी क्लास में भाग गई। प्रिया ने अपने हाथ कमर पर रखकर कहा, भाग जाओ, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक भागोगी। अग्निहोत्री कॉरपोरेशन, श्लोक मीटिंग रूम में बैठा था और अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। दो लोग प्रेजेंटेशन दे चुके थे और श्लोक को अपने आइडिया बता चुके थे। श्लोक ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे कोई आइडिया पसंद नहीं आया है और ना ही प्रेजेंटेशन कुछ खास लगी है,
आप सबके पास 2 घंटे हैं, ये सब फिर से तैयार करिए वरना यहाँ से जाइए। ये कहकर वो उठा और मीटिंग रूम से बाहर चला गया। अंदर बैठे सारे लोग अपने सिर पर आए पसीने को पहुंच रहे थे। उनके सर किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं करते थे और उन्हें सब फिर से करना पड़ता था। बाहर देव श्लोक के साथ चल रहा था। उसने कहा, सर संजय अरोड़ा आए हैं, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। संजय जी का नाम सुनते ही श्लोक ने एक पल के लिए रुक कर कहा, उन्हें 2nd नंबर की मीटिंग में बुलाओ। ये कहते हुए वो 15th फ्लोर पर चला गया। संजय अरोड़ा के साथ उनकी कंपनी के मैनेजर आए हुए थे। उसे अभी पता चला था कि श्लोक अग्निहोत्री अपनी किसी बिजनेस ट्रिप से कल ही वापस आया है। आकांक्षा जिस तरह से संजय जी से बातें कर रही थी, संजय जी को कन्फर्म हो चुका था कि वो बेवकूफ लड़की जल्द ही उन्हें जमीन के कागज दे देगी, इसीलिए वो श्लोक को इस बारे में बताने आए थे। जब वो 2nd नंबर के मीटिंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा श्लोक किसी राजा की तरह वहां एक सोफे पर बैठा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके डेंजरस ऑरा को देखकर सबकी आंखें अपने आप नीचे हो गई थी। फिर संजय अरोड़ा और उनके साथी सोफे पर बैठ गए। श्लोक ने उनसे कहा, कहिए। संजय अरोड़ा ने गहरी सांस ली और कहा, हमने काफी कोशिश करने के बाद आपके लिए उस जमीन के कागज को ढूंढ लिए हैं, पर वो आपको इस महीने नहीं मिल पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर आप हॉस्पिटल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, क्योंकि राठी कॉरपोरेशन की हर एक चीज अब अरोरा कॉरपोरेशन के अंदर आती है, यहाँ तक कि वो जमीन भी। तो आपको अगर वो जमीन चाहिए तो आपको हमारी परमिशन लेनी होगी। श्लोक के होंठ ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसने धीमे मगर मजाकिया लहजे में कहा, क्या ऐसा है? संजय अरोड़ा को ऐसा लगा जैसे उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो। उसने कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, आप कहना क्या चाहते हैं कि हम आपको वो जमीन जो करोड़ों की है ऐसे ही दे दें? हम नहीं जानते कि आपके पापा और महेश राठी के बीच किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और जमीन की कीमत क्या थी, पर इस समय वो करोड़ों की है और हम इतना बड़ा घाटे का सौदा नहीं कर सकते हैं। श्लोक के पास तो पहले से ही जमीन के कागज थे और उन पर आकांक्षा के साइन भी थे, जो महेश राठी की बेटी थी, और उसके साइन ही काफी थे उस जमीन को श्लोक को देने के लिए। आफ्टर ऑल वो उसकी वाइफ थी। श्लोक ने बेफिक्री से कहा, तो ठीक है, जमीन को आप रख लीजिए। संजय अरोड़ा आंखें बड़ी बड़ी करके श्लोक को देख रहा था। जहां तक उसे पता था, श्लोक अग्निहोत्री वो इंसान था जो जमीन को किसी भी कीमत पाने की इच्छा रखता था। इसीलिए तो संजय अरोड़ा ने निडर होकर अपनी मांग श्लोक के सामने रखी थी, पर उसने नहीं सोचा था कि उसे इस तरह मुंह की खानी पड़ेगी। श्लोक उठकर खड़ा हुआ और उसने अपना सूट ठीक करते हुए कहा, अब मुझे उस जमीन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही मेरे पास है। ये सुनने के बाद तो संजय अरोड़ा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने खड़े होते हुए कहा, आप ये किस तरह का मजाक कर रहे हैं? श्लोक ने उन्हें घूरा और कहा, यही कि जमीन के असली मालिक ने मुझे वो जमीन दे दी है। संजय अरोड़ा का दिमाग ब्लैंक हो चुका था। इससे पहले कि वो श्लोक को कुछ कहते हैं, श्लोक वहां से तेज कदमों से चला गया। संजय अरोड़ा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाई और वो भी वहां से चले गए। कार में बैठने के बाद उन्होंने ड्राइवर से कहा, कॉलेज चलो। जीवन हॉस्पिटल। कीर्ति सीनियर डॉक्टर की टीम के सामने बैठी थी और वो सब उसकी फाइल को देखकर काफी इंप्रेस थे। उनमें से एक ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मिस अग्निहोत्री, आपके मार्क्स काफी अच्छे हैं और आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से आप इस जॉब के लिए केपेबल भी हैं। आपने कई डिलीवरीज भी की हैं और वो सक्सेसफुल भी रही हैं, यहाँ तक कि आपने 2 बहुत क्रिटिकल केस भी हैंडल किए हैं। कीर्ति बहुत कॉन्फिडेंट होकर बैठी थी। आपस में डिस्कस करने के बाद उन्होंने कीर्ति को थोड़ी देर बाहर वेट करने को कह दिया। कीर्ति वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी और अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। एक लड़की जिसने येलो कलर की मिनी ड्रेस पहनी थी, उसने कीर्ति को देखा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने बाहर से गुजर रहे एक स्टाफ मेंबर से पूछा कि वो वहां क्या कर रही है। तब उसे पता चला कि कीर्ति वहां जॉब के लिए अप्लाई करने आई है।
ये सुनते ही उस लड़की के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो एग्जामिनेशन रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद कीर्ति को वापस बुलाया गया। उसने महसूस किया कि पहले जो लोग उसे एडमायर होकर देख रहे थे, अब वो उसे बहुत बुरी नजरों से देख रहे थे। कीर्ति वापस अपनी सीट पर बैठ गई। जिस डॉक्टर ने पहले उसकी तारीफ की थी उसने कहा, मिस कीर्ति, आपने बताया नहीं कि आप रेड मार्क्ड हैं? ये सुनते ही कीर्ति के माथे पर सिलवटें आ गई। उसने कहा, ये बहुत पुरानी बात है और वो एलिगेशन अब हट गया है, डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, पर हम ऐसे डॉक्टर को अपने यहाँ नहीं रख सकते जिस पर पहले किसी तरह का गलत इल्जाम लगा हो। सॉरी, आप जा सकती हैं। कीर्ति ने बेबस होकर अपनी फाइल उठाई और बाहर निकल गई। जैसे ही वो हॉस्पिटल से जाने वाली थी, एक येलो ड्रेस वाली लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कीर्ति ने अपना सर उठाकर उसे देखा और उसे देखते ही कीर्ति की आंखें कठोर हो गई। कीर्ति ने उसे घूरते हुए कहा, तो ये तुम्हारा काम था? रिम ने अपने बालों को पीछे झटका और कीर्ति को देखकर कहा, सॉरी कीर्ति, पर क्या करे, मैं चाहती हूँ तुम जिंदगी भर कभी डॉक्टर ना बन पाओ। रिम की उन बातों को सुनकर कीर्ति के हाथों की मुठ्ठियां बन गई थी। रिम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, वैसे तुम पहले से काफी अच्छी दिखने लगी हो। ये बात रिम कीर्ति की लिमिटेड एडिशन ड्रेस को देखकर कर रही थी। कीर्ति के बैकग्राउंड के बारे में कॉलेज में कोई नहीं जानता था। जब कीर्ति बाहर पढ़ाई करने गई थी तो उसने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि उसकी सारी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाए। कीर्ति की सिंप्लिसिटी के कारण भी लोगों को वो ज्यादा अमीर नहीं लगती थी। रिम ने आंखें चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। उसे कीर्ति उन सुंदर कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही थी। रिम ने कहा, लगता है तुमने एक और नया और अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया है, पर सॉरी, वो तुम्हें यहाँ जॉब नहीं दिलवा सकता है। एपिसोड 101, आकांक्षा और आलिया की फाइट। कीर्ति ने रिम को घूर कर देखा और कहा, तुम कब तक अपनी गलतियों का इल्जाम मुझ पर डालकर मेरी नौकरी छुड़वाती रहोगी? ये सुनते ही एक पल के लिए रिम का चेहरा डर से पीला पड़ गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो, वो तुम्हारी गलती थी। कीर्ति ने बाहर जाते हुए कहा, सच एक दिन सामने जरूर आएगा, तब देखते हैं किसे हॉस्पिटल से बाहर भेजा जाता है। रिम को कीर्ति से डर नहीं लग रहा था, पर ये सोचकर कि अब कीर्ति एक अच्छी जिंदगी जी रही है और वो उसका कुछ बिगाड़ सकती है, रिम उसका पीछा करने लगी। रिम ने देखा कीर्ति एक बहुत महंगी BMW कार में बैठ रही थी और आगे ड्राइवर था। वो हॉस्पिटल गेट पर खड़े होकर उसे देखती रही जब तक कीर्ति की कार वहां से गायब नहीं हो गई। तभी रिम का फोन रिंग करने लगा। उसने फोन उठाया और अपनी मीठी आवाज में कहा, हाँ, हम डिनर पर जाएंगे। कोई नहीं कह सकता था कि थोड़ी देर पहले ये लड़की इतनी बुरी तरह एक दूसरी लड़की को परेशान कर रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी। आकांक्षा जब कॉलेज खत्म होने के बाद बाहर निकल रही थी तो उसने दूर से ही संजय जी की कार को देख लिया था और उसके होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए थे। आकांक्षा ने पीछे खड़ी विद्या और भक्ति से कहा, तुम दोनों यहीं रुको। दोनों लड़कियों ने हाँ में सिर हिलाया। उन्हें इस चीज की आदत हो चुकी थी, उनके लिए अब उनकी लेडी बॉस आकांक्षा ही थी। आकांक्षा तेज कदमों से संजय जी की कार की तरफ चली गई। संजय जी ने जैसे ही आकांक्षा को देखा वो कार से उतर गए। उन्होंने आकांक्षा को गुस्से में घूरते हुए कहा, क्या तुमने श्लोक अग्निहोत्री को जमीन के पेपर दे दिए हैं? उन्होंने आकांक्षा से उसका हालचाल पूछने की जहमत नहीं उठाई और सीधा मुद्दे की बात पर आ गए। आकांक्षा ने हैरान होने का नाटक करते हुए उनकी तरफ देखा और कहा, नहीं, अरे अरे हाँ, मैंने दे दिए। अपनी बात को बीच में बदलते हुए आकांक्षा ने हामी भर दी। संजय जी, जो तसल्ली महसूस करने वाले थे, अचानक से हैरान हो गए। उन्होंने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? आकांक्षा ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अंकल, आपको क्या लगता है वो प्रॉपर्टी किसकी थी?
संजय जी ने झिझकते हुए कहा। वो तुम्हारी ही थी, आकांक्षा ने उदास होते हुए कहा। अंकल, मिस्टर अग्निहोत्री के कुछ लोग मुझसे मिलने कॉलेज आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें वो जमीन चाहिए, क्योंकि उस जमीन पर हॉस्पिटल बनाना पापा का सपना था। तो आप ही बताइए, मैं पापा का सपना कैसे पूरा नहीं होने देती? आप तो जानते हैं ना, मैं पापा से कितना प्यार करती थी। संजय जी आकांक्षा की मासूम बनने की एक्टिंग में फंस गए थे, पर उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उस लड़की ने उनकी करोड़ों की डील खराब कर दी थी और वो उसका कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने नकली हंसी हंसते हुए कहा, बेटा, अगली बार ऐसा कुछ हो तो पहले मुझसे बात करना। तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे पापा हमेशा पहले मुझसे ही बात करते थे। आकांक्षा ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई हुई थी ताकि वो अपने गुस्से को बाहर ना आने दे। उसने कहा, ठीक है अंकल, मैं जाती हूँ। ये कहकर वो मुड़ी और सामने खड़ी कार में बैठकर निकल गई। संजय जी जब भी आकांक्षा से मिलते थे तो उसके पास एक नई गाड़ी होती थी। वो पागलों की तरह जानना चाहते थे कि आखिर आकांक्षा किसके साथ है, पर इतने समय में भी वो उसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाए थे। जंगल वाला घर। प्रशांत शाम को कमरे के बाहर निकला और आसपास देखने लगा। उसने कुछ लोगों को दोपहर में ही आरुषि को उसके घर छोड़ने को कह दिया था और उसे वहां ना देखकर उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हो रही थी। प्रशांत ने खुद को मजबूत किया और आगे जाने लगा। तभी उसे अपने घर के सफेद मार्बल फर्श पर खून के बहुत सारे छींटे दिखे जो एक दिशा की तरफ जा रहे थे। वही जमीन पर कांच की प्लेट के कुछ टुकड़े भी पड़े थे। प्रशांत का दिल थम चुका था। वो तेजी से उस दिशा में गया जहां पर खून के निशान जा रहे थे और वहां पहुंचकर उसने देखा एक लड़की येलो कलर की ड्रेस पहने जमीन पर पड़ी थी और उसके पैर से खून बह रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे वो कब से बेहोश हो। प्रशांत ने समय देखा, शाम के 5 बज रहे थे, मतलब वो सुबह से ही वहां बेहोश पड़ी हुई थी। प्रशांत जल्दी से आरुषि के पास गया। प्रशांत ने आरुषि को गोदी में उठाकर अपने कमरे में ले जाते हुए कहा, आरुषि, आरुषि उठो। पर आरुषि कोई जवाब नहीं दे रही थी। प्रशांत ने आरुषि को बेड पर लिटाया और उसके पैर के घाव को देखने लगा, जो काफी गहरा था और उस पर लगा खून सूख चुका था। प्रशांत ने तेज आवाज में बाहर खड़े गार्ड्स को बुलाया। गार्ड जल्दी से वहां गए। प्रशांत ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग क्या कर रहे थे? ये लड़की कब से घर के कोने में बेहोश पड़ी थी, या तुम्हें ये नहीं दिखी? गार्ड्स डर से कांप रहे थे। उन्होंने सोचा था कि प्रशांत आरुषि से गुस्सा है और वो उसे किसी तरह की सजा देना चाहता है, क्योंकि उसने आरुषि को घर से भेजने को भी कह दिया था, इसीलिए उन्होंने उस लड़की पर ध्यान नहीं दिया था। पर अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। प्रशांत ने उन गार्ड्स को ऐसे घूरा जैसे वो उनके मन की बात समझ गए हों और कहा, मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, पहले डॉक्टर बुलाओ। दोनों गार्ड्स जल्दी से वहां से चले गए। प्रशांत आरुषि के चेहरे पर हाथ फेर रहा था, जो सफेद पड़ चुका था। आरुषि, जिसे वो खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, वो अपने जख्मों के जरिए उसके और करीब आ रही थी। ये सोचते हुए प्रशांत के हाथ की पकड़ आरुषि के हाथ पर कस गई, जिसे उसने पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंदर आए। प्रशांत ने कहा, इसे चेक करो। डॉक्टर ने तुरंत आरुषि के पैर को चेक किया और अच्छे से ड्रेसिंग करके कहा, इनके पैर से काफी ज्यादा खून बह चुका है और अच्छे से खाना ना खाने के कारण ये पहले ही कमजोर थी, इसीलिए ब्लड लॉस से ये बेहोश हो गई है। इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है, वरना इन्हें किसी तरह की बीमारी हो सकती है, जो इनके लिए अच्छी बात नहीं है। इन्हें अपना पैर गीला ना करने दे और बेड से भी ना उठने दे। डॉक्टर डरते हुए ये सारी बातें प्रशांत से कह रहा था, क्योंकि प्रशांत का इलाज करने के लिए उन सारे डॉक्टर्स को किडनैप करके वहां बाहर रखा गया था। वो आरुषि से रोज मिलते थे, जो हर समय उस खतरनाक आदमी के साथ रहती थी जिसने उन्हें किडनैप करके रखा था।
आरुषि के सामने प्रशांत हमेशा शांत रहता था। प्रशांत ने उनकी तरफ नहीं देखा और आरुषि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है जाओ। डॉक्टर दवाइयां रखकर वहां से भाग गया। प्रशांत उसी पोजीशन में आरुषि के पास बैठा रहा। श्लोक का विला आकांक्षा, विद्या, भक्ति और विकी जब कॉलेज से घर पहुंचे तो उन्होंने देखा विपिन और बाकी सब गार्डन में फाइट की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये देखते ही आकांक्षा की आंखों में चमक आ गई। उसने दौड़कर उनके पास जाते हुए कहा, तुम सब क्या कर रहे हो? विपिन जो साइड में बैठा सबको फाइट करते हुए देख रहा था, उसने आकांक्षा को देखकर कहा, मैम हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। आकांक्षा विक्की के बगल में बैठकर उन्हें देखने लगी। एक तरफ आलिया खड़ी थी और दूसरी तरफ नीना और ग्रे खड़े थे। उन दोनों ने आलिया पर अटैक किया। दोनों काफी फास्ट मूव कर रहे थे और आलिया उनसे बहुत अच्छे तरीके से बच रही थी। अचानक ही वो आगे आई और उसने नीना की चेस्ट पर किक मार दी, जिससे वो दूर जाकर गिरी। आलिया ने ग्रे के शोल्डर और स्टमक के एक साइड में पंच मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गया। दोनों बुरी तरह दर्द से कराह रहे थे। आलिया ने अपने हाथ झटके और कहा, तुम दोनों अभी भी कच्चे हो। आकांक्षा को बहुत बुरा लग रहा था। उसने देखा था कि नीना और ग्रे कितने ज्यादा अच्छे से फाइट कर रहे थे, फिर भी आलिया उन्हें अप्रिशिएट करने की जगह डीमोटिवेट कर रही थी। आकांक्षा ने नीना को खड़ा करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। आलिया ने आंखें चढ़ाकर आकांक्षा को देखा और कहा, और ऐसा मैं क्यों ना कहूं? अगर वो मुझसे लड़ नहीं सकते तो उन्हें खुद ही पीछे हट जाना चाहिए। आकांक्षा को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे भी उसे आलिया बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो श्लोक को जिस नजरों से देखती थी और जिस तरह उसे श्लोक से दूर करने की कोशिश करती थी, उस कारण आकांक्षा आलिया से पहले ही चिड़ी हुई थी। आकांक्षा ने अपना दुपट्टा कमर में बांधकर कहा, ठीक है तो देखते हैं मैं तुमसे लड़ सकती हूँ या नहीं। ये कहते हुए वो पोजीशन लेकर खड़ी हो गई। आलिया की आईब्रो आपस में जुड़ गई। उसने कहा, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। आकांक्षा ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, क्या तुम डर गई? ये सुनते ही आलिया का ईगो हर्ट हो गया और उसने कहा, तुम्हारी मर्जी, पर बाद में सर के पास रोते हुए मत जाना कि मैंने तुम्हें मारा। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे सर मेरे आंसू और मेरी तकलीफ मेरे कहने पहले ही समझ जाते हैं। ये सुनते ही आलिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने आकांक्षा पर अटैक करना शुरू कर दिया। विपिन डरते हुए उन दोनों को देख रहा था। वो उठकर उनको रोकना चाहता था, पर उसका एक पैर अभी भी जख्मी था, जिस कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। नीना और ग्रेस साइड में खड़े थे। नीना ने आगे जाते हुए कहा, आलिया उन्हें हर्ट मत करो। विद्या और भक्ति भी उस नजारे को देख रहे थे और उनके माथे पर चिंता की लकीरें थी। टीम में हर कोई जानता था कि आलिया की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और पिछली बार जिस तरह विद्या और भक्ति ने आकांक्षा को हराया था, वो उसकी काबिलियत को आलिया से कम समझ रही थी। आलिया बहुत फास्ट अटैक कर रही थी, उसे आकांक्षा पर बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। वहीं आकांक्षा डिफेंस करते हुए पीछे जा रही थी। ये देखकर आलिया खुश हो गई। तभी अचानक से आकांक्षा रुक गई। उसने अपना सिर उठाया। इस बार उसकी आंखों में परेशानी नहीं थी, बल्कि एक शैतानी चमक थी। आकांक्षा ने अपने एक पैर से दबाव बनाकर दूसरे पैर को उठाया और सीधा आलिया के सिर पर वार किया, जिससे आलिया का सिर चकरा गया। इससे पहले कि वो खुद को संभालती, आकांक्षा ने अपना हाथ उठाकर आलिया के सीने पर रखा और दूसरे हाथ से उसके पेट में पंच मार दिया। पेट में दर्द के कारण आलिया ने अपने आप को थोड़ा झुकाया और इस चीज का फायदा उठाते हुए आकांक्षा ने उसकी गर्दन पकड़ी और अपने घुटने से आलिया के पैर पर वार कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। हर कोई हैरान होकर उस नजारे को देख रहा था। नासुक और कोमल दिखने वाली लड़की इतनी खतरनाक हो सकती थी, उन लोगों ने नहीं सोचा था। यहां तक कि विद्या, भक्ति, विपिन और विक्की भी आंखें बड़ी बड़ी करके
उस नजारे को देख रहे थे जहां आकांक्षा आलिया के पीछे खड़ी थी और उसने आलिया की गर्दन को पकड़ रखा था और अपने दूसरे हाथ से उसने आलिया के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। आलिया गुस्से में झटपटा रही थी पर वो आकांक्षा की मजबूत पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा पा रही थी। ये पहली बार था जब किसी ने उसे हराया था और वो भी वह उससे हारी थी जिससे वो इतनी नफरत करती थी। ये सोचते हुए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आकांक्षा ने आलिया की गर्दन के एक पॉइंट पर वार किया और उसे छोड़ दिया। आलिया ने जैसे ही हिलने की कोशिश की उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन बिल्कुल मूव नहीं हो रही है। जब उसने आवाज निकालने की कोशिश की तो उसे पता चला वो बोल भी नहीं पा रही है। आलिया ने घूर कर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। सब आलिया की हालत देख रहे थे और उन्हें उस पर हंसी आ रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा घमंडी थी और आज शायद उसका घमंड टूट चुका था। आकांक्षा ने कहा, किसी को इतना कमजोर भी नहीं समझना चाहिए कि ये भूल जाओ कि हर सुपीरियर का एक और सुपीरियर होता है। बेहतर होगा दूसरों को खुद से नीचे समझना बंद कर दो और खबरदार जो मेरे डॉक्टर साहब के करीब जाने की कोशिश की। और तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि कल किस तरह तुमने उन्हें रोक कर रखा था। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम इस तरह हम दोनों को अलग कर सकती हो। हमने शादी की है और उससे भी पहले हम एक दूसरे के साथी बने थे। इंसान को इंसान से अलग कर सकते हैं पर जिस्म को रूह से नहीं। ये कहते हुए उसने वापस आलिया की गर्दन पर एक पॉइंट को दबाया और मुड़कर वहां से चली गई। हल्के से दर्द के बाद आलिया ने अपनी गर्दन को फिर से हिलाकर देखा। इस बार वो उसे हिला पा रही थी, उसके मुंह से आवाज भी निकल रही थी। आलिया ने जोर से घास पर अपना हाथ मारा और चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी उन सबको अपने पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। अरोड़ा मेंशन। संजय जी गुस्से में सामान इधर उधर फेंक रहे थे। राधा ने उनके पास आकर कहा, आपको क्या हुआ है? संजय जी ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने उस लड़की को ढंग से सब कुछ सिखाया होता तो मुझे इस तरह परेशान नहीं करती और ना वो आज इतना बड़ा कदम उठाती। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस चीज के लिए डांटा जा रहा है, पर संजय जी की इतनी तेज आवाज सुनकर वो डर गई थी। नैना ने भी संजय जी की बात सुन ली थी और वो समझ गई थी कि उसके पापा आकांक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। नैना ने आगे आकर कहा, डैड ये सब उस लड़की ने जानबूझकर किया होगा। संजय जी ने उसे घूर कर देखा और कहा, क्या तुम्हें पता है उसने क्या किया है जो तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो? नैना ने लापरवाही से कहा, उसने जो भी किया हो पर उसने वो जानबूझकर ही किया होगा। संजय जी सोफे पर बैठ गए। उन्होंने अपना हाथ सिर पर रखकर कहा, उसके कारण मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चली गई है पर अब उस लड़की को मुझे काबू करना होगा। ये कहते हुए उन्होंने अपना फोन उठाकर प्रशांत का नंबर डायल कर दिया।